हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से नए व्लॉग में। और अभी है ना, शाम का ही टाइम हो गया, शाम के 4 बज गए हैं। मम्मी अभी पार्क में गई है और मैं ऊपर छत पे जा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी धूप रह रही है, तो मैं सोचा थोड़ी देर धूप में बैठाती हूँ। चलो देखो, धूप में बैठ के आई हूँ ना थोड़ी देर, और देखो ऐसे लाल मुंह हो गया है। और धूप में बैठ के मैंने मेहंदी भी लगा ली अपने हाथ पे, और साथ साथ में सूख गई है बिल्कुल। और अभी मम्मी आने वाली हो रही है, तो मैंने चाय चढ़ा दी है एक साइड, और एक साइड ये सुमित के लिए पानी, मतलब जिंजर टी लगा लो, जिंजर टी। तो सुमित जिंजर टी पिएंगे और मैं और मम्मी चाय पियेंगे गर्मा गर्म। और मम्मी के पार्क से आते ही फिर मैंने और मम्मी ने चाय पी थी, और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ मम्मी को मेहंदी लगाने। एक ही हाथ पे लगाऊंगी मम्मी के, एक हाथ पे मम्मी खुद ही लगा लेती है, और वो भी आगे आगे लगवाएगी, पीछे नहीं लगवाएगी। और एक हाथ मेरा भी बचा है, तो देखती हूँ अगर टाइम बच गया ना तो सारे काम निपटा के और फिर मैं भी अपने एक हाथ पे मम्मी से ही मेहंदी लगवा लूँगी। और आज मैं ना मैंने अपने फेस की एलोवेरा जेल से भी मसाज की थी, विटामिन ए के कैप्सूल डाल के एलोवेरा जेल में, और तब उसकी मसाज की थी और उसको ऐसे ही लगा छोड़ दिया, इसीलिए आपको मेरा फेस ऐसे चमकता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि फेस पे एलोवेरा जेल और विटामिन के कैप्सूल लगे हुए थे। वो ऐसे ही चिप चिप रहता है जब तक नहीं धो लेते, तो मैंने 2-3 घंटे रखा था, फिर उसके बाद धो लिया था। और बस अभी थोड़ी सी बची है मम्मी की मेहंदी लगनी, तो अभी लगा देती हूँ फटाफट, उसके बाद फिर मेरे को खाना भी बनाना है और पैकिंग भी करनी है। पैकिंग नहीं करी है क्योंकि ये सारी तैयारी जोरों शोरों से जो तैयारी चल रही है वो चल रही है शादी में जाने की तैयारी, तो मैं थोड़ा आगे बताऊंगी आपको कहाँ जा रहे हैं हम शादी में। और अब लग गई हूँ मैं खाना बनाने, और जल्दी मैंने अपनी मेहंदी, मतलब सूख तो गई थी, छत पे लगा के आई थी ना, तो धूप में बैठ के लगाई थी तो जल्दी सूख गई थी, और उसके बाद फिर मैंने जल्दी ही धो दी क्योंकि मेरे को खाना बनाना था ना, तो ज़्यादा देर तक नहीं रखी अब की बार, नहीं तो मैं शाम को लगाती हूँ ना सुबह तक मेहंदी रखती हूँ, फिर से डार्क कलर आता, पता नहीं अब की बार कैसा आएगा। तो बस अभी जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ क्योंकि फिर मेरे को मेहंदी लगवानी है दूसरे हाथ पे, तो मैंने सोचा जल्दी बना दूँ। तो मम्मी के मेहंदी लगाते ही तुरंत लग गई थी मैं खाना बनाने, तो बस अभी सब्जी छोंक दी है, फटाफट रोटी और बना लूँगी। और अभी है ना मम्मी दूध लेने गई है, आज हमारा दूध वाला नहीं आया, और जिस दिन हमारे दूध वाला नहीं आता ना तो हम दूध लाना ही भूल जाते हैं दुकान से। दोपहर में दूध वाला दूध दे जाए ना तो सही है, नहीं तो फिर जब चाय बनाने लगते हैं या जब दूध ख़त्म हो जाता है तब हमें दूध लाना याद रहता है। तो अभी शाम के टाइम मम्मी लेके आई है, मम्मी ने मेहंदी लगवा तो ली, ठंड में देख लो कहाँ सेकने लग रही है, गैस पर लगी हुई है सेकने के लिए, और गैस पर जब हाथ रखा है ना इस पर चलती पे तो जल जाए जमात है ना, तो सही सुहावा है, ठंड में सूख कर नहीं देती मेहंदी भी, कती बर्फ जी तो गाय, एक तो मेहंदी ठंडी ऊपर तो ठंड इतनी, इसलिए तो मैंने धूप में लगाई थी, धूप में तो जब मैं सूख गई, मैंने चाय ना सूखी सूख ली थी मेरी, सूख ना देती है सर्दियां में, तो कती लगाने मन नहीं करता मेहंदी का, पर मजबूरी में लगानी पड़ा। हाँ देखो सुंदर लग रही है, मैंने लगाई है सुंदर लग रही है मेहंदी तो सूख जाएगी सही, वैसे तो पर भी सेक लिया करे ना जब हाथ ना जला, पर इब तो बस रखना वो डाल लौंग तो के लौंग ने फूके ने और तू वहां उठा करे ना उसमें हाथ से करे जे बहुत अच्छा कलर आ वो ही आ जा आजकल तो इतना डार्क आ जा वैसे ही पहले ना आया करता है आजकल तो कती काली हो जाए जमा, और यह काली होने वाली है मेरे हाथ की, ये देखो अब भी कितनी बढ़िया लग गई, सुबह तक तो काली हो लेगी, ये करवा चौथ पर लगाई थी वही है अच्छी करवा चौथ पर तो कती पतली निकली थी, और आज तो थोड़ी सी टाइट मतलब सही निकली है, नहीं तो वह लगा भी नहीं थी, करवा चौथ पर तो फैल रही थी जब लगाओ थे ना, वो करवा चौथ पर तो ज्यादा ही पतली थी, डिजाइन भी नहीं बना था ढंग से, बेशक अब तो ठीक है। हाँ अब तो सूख गई, और खाना पीना खा के बर्तन किचन मतलब किचन के सारे काम निपटा के अभी लग गई हूँ मैं पैकिंग करने, बस अभी फटाफट कर लेती हूँ, थोड़ी ही करनी है, 2 ही दिन की पैकिंग करनी है, ज्यादा नहीं करनी। और अभी है ना जो बची हुई पैकिंग थी, कुछ पैकिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, सूट वगैरह अपने रख लिए हैं बैग में, तो लहंगा रखना बाकी था, चूड़ी रखनी और मेकअप का सामान, तो ये मैंने अभी अपना पूरा सामान रख लिया है, एक आध चीज और रहेगी जैसे सैंडल वगैरह रह गई तो वो भी रखूंगी थोड़ी देर में, और मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या रखा है। और मैंने ये भी नहीं बताया अभी तक तो कि किस चीज की पैकिंग हो रही है, तो मैं ये बता देती हूँ, कल है
हम गांव में शादी है तो हम शादी में जा रहे हैं। वैसे तो परसों ही आ लेंगे, तो कल की ही है शादी, दिन के दिन जाएंगे, तो उसी की पैकिंग चल रही है यहाँ पर। तो मैं शादी में पहनूंगी लहंगा, तो मैं आपको अपना पहले लहंगा दिखा देती हूँ, कौन सा लहंगा पहनने वाली हूँ मैं शादी में। तो देखो ये वाला लहंगा पहनूंगी मैं, जो मैंने करवा चौथ पे सिलाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एक ही बार पहनना है, तो पैसे तो वसूल होने चाहिए अभी, कई बार पहनेंगे तभी तो पैसे वसूल होंगे। तो लहंगा मैंने डाल लिया है अपने इस थैले में, और ये इसकी चूड़ी। और पहले तो है ना मैंने मतलब चूड़ा ही पहना था जो सारी ड्रेसों पर, लेकिन अब की बार मैचिंग चूड़ियां ले लिया, वहां हर बार चूड़ा नहीं, अब की बार थोड़ी चूड़ियां ले लेती हूँ मैचिंग वाली, तो चूड़ियां अच्छी लगेंगी, थोड़ा अलग होना चाहिए ना हर बार। और ये मैंने अपनी मेकअप की डिब्बा तैयार कर लिया, इसमें सारा सामान डाल लिया, जो जो मेरे को चाहिएगा वो सारा सामान इसमें डाल दिया मैंने। और मैं आपको अपना नेकलेस भी दिखा देती हूँ जो सा मैं पहनने वाली हूँ। वैसे लहंगे से, जैसे ये लहंगा मेरा गाजरी से कलर का है, तो इसका मैचिंग मेरे पास था ही नहीं कोई भी नेकलेस, तो गोल्डन कलर का ले लिया मैंने ये वाला। देखो ये वाला नेकलेस लिया है, ये मैंने मेरे देवर की शादी में खरीदा था, इस साड़ी के लिए ही, नहीं साड़ी के लिए नहीं, सॉरी लहंगे के लिए खरीदा था। हाँ मैंने साड़ी और लहंगा दोनों चीज पहने थे ना, तो लहंगे के लिए मैंने ये खरीदा था। ये देखो है तो पुराना, लेकिन मैं दूसरी बार ही पहनती हूँ इसको, शादी में ही पहना था, उसके बाद मैंने पहन नहीं था। ये इयररिंग से इसके लिया, गोल्डन था ना ये, तो हाँ चलो यही चला लेती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी ज्योति से पूछूंगी, उसके पास होगा तो कुछ गाजरी कलर का नेकलेस वगैरह, कलर भी अच्छा लगता है ना, पर वो अभी तक गाँव से ही नहीं आई है, तो क्या पता कब आएगी, तो मैंने सोचा अपना ही ले लेती हूँ, यही काम चला देगा। ये वाला सेट भी रख लिया है मैंने पहनने के लिए, तो ऑलमोस्ट पूरी तैयारी हो गई है मेरी, चूड़ियां वगैरह सब हो गया है मैं। और अभी है ना मैं आपको अपने सूट और दिखा देती हूँ कौन कौन से लेके जा रही हूँ। वैसे ज्यादा नहीं, बस दो ही जोड़ी सूट डाले हैं, एक लहंगा हो जाएगा क्योंकि कल की शादी है और परसों हम आ ही जाएंगे, तो एक तो रात में पहनने के लिए सूट लिया है और एक अगले दिन पहनने के लिए, तो ज्यादा नहीं लिए, तो इसलिए हमने ये भी सोचा था भी एक ही बैग में तीनों के सामान आ जाएगा, मेरा भी सुमित का भी और मम्मी का भी। पर अभी सर्दी है ना, तो सर्दियों के स्वेटर वगैरह भी लेंगे ना, और मम्मी का जो बैग है ना, मम्मी के बैग में ही सोचा था उसमें आ जाएगा सारा सामान, लेकिन वो बैग छोटा पड़ रहा है भी वो छोटा सा ही, एक लाइन तो मेरे मेरे सूटों की हो गई, जबकि दो ही सूट है और एक स्वेटर है, तो उसमें नहीं आएगा मेरे को लग रहा है, एक बैग और लेके जाना पड़ेगा सर्दियों के शॉल स्वेटर सॉक्स वगैरह, तो ये भी आया, ये भी फालतू का सामान बढ़ जाता है ना सर्दियों में शादी होती है। तो चलो मैं दिखा देती हूँ आपको अपने सूट। वेल बैग में हमने सोची थी सारा सामान आ जाएगा, लेकिन देखो कितना छोटा सा है ना, एक लाइन तो मेरे मेरे कपड़ों की होगी, अभी मम्मी के सुमित के, मम्मी अभी अपनी पैकिंग करने लग रही है, ये मम्मी की स्वेटर रखी ये वाली, और सुमित का तो कोई ऊद ना सूद, सुमित का तो पता नहीं चलने को होंगे ना तब अपनी पैकिंग करेगा, अभी तक ये भी नहीं सोचा है उन्होंने कि मेरे को पहनना क्या है। चलो मैंने ये ब्लैक वाली स्वेटर ली है, और ये रात में पहनने के लिए एक सूट लिया है, और ये फ्रॉक लिया है मैंने, आपने कई बार देखा होगा मेरा फ्रॉक जो मैंने साड़ी का सिलवाया था, तो ये लिया, बस ये लिया है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं लिया। और तो हो गई है मेरी तो पैकिंग, अभी मम्मी का इधर आ जाएगा सामान, मम्मी भी एक दो ही सूट लेती होगी, पर स्वेटर और शॉल भी लेगी ना मम्मी, मैंने स्टॉल भी नहीं लिया है, एक स्टॉल भी लेना है मेरे को क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, तो एक स्वेटर में काम नहीं चलेगा, तो एक स्टॉल और ले लेती हूँ। मम्मी की भी हो गई है पैकिंग, यादवशी रख दी हमने एक इसमें, कौन सी, हाँ वो वाली जो बाहर रखी थी, हाँ 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 दो सूट लिए है, पिछली एक स्वेटर लिया है, पिछली बार कविता बोले ना सुमित को था, कविता का नहीं, अब चार बैग बढ़ लिए, चार बैग इनकी बार दो या का एक बैग है, दो जड़िया का, सुमित के क्या मंगा लेंगे, आ जाएंगे बीच में, बहुत कपड़े आऊं कविता आ जाएंगे, जिसकी साइड में बस दो जोड़ी सुमित के पाओगे, और सुमित के इतने का एक जोड़ी पहन लेगा भाई, एक जोड़ी और ले लेगा रात के लिए, बस और लड़किया के क्या कपड़े हो, दो जोड़ी और निकल लेंगे उसके, स्वेटर जर्सी भी तो हो जाए सर्दिया में, ये भर दे बैग ने मोटी भी तो है, कितनी नहीं पैसा, हमारे स्टॉल रखने जा रहे हैं, तो हाथ में नहीं, इसमें तो बहुत सामान आएगा, छोटा मोटा सामान ओढ़ के चल पड़ेंगे, जेबा में आ जाएगा छोटा मोटा सामान। और अभी मैं डालने लगी हूँ कंबल में कवर, जो ये सर्दी वाले मोटे कंबल है ना, तो ये निकाल लिए, पहले तो पतले वाले कंबल निकाल रखे थे, तो वो तो मशीन में भी धुल जाते हैं, तो उनकी इतनी दिक्कत नहीं आती,
तो अब की बार जो ये मोटे वाले कंबल है ना, हमने इनके कवर मंगा लिए, क्योंकि ये मशीन में धुलते नहीं। और फिर लास्ट में जब हम धोते थे ना भाई, एक दिन में एक कवर धुलता था। पहले तो 5-6 घंटे भिगो, वो भी मशीन में भिगोने पड़ते थे। धुलते तो थे नहीं, बस भिगोते भिगोते मशीन में थे, और फिर उसको बार बार धो, 5-6 बार पानी बदल बदल के। तो एक दिन में एक ही कंबल धुलता था, तो अब की बार धोने का झंझट खत्म, कवर डाल दिए हैं। तो इन कवरों को आराम से, ये तो आराम से धुल जाएंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं, मशीन में ही धुल जाएंगे। तो अभी सारे कंबलों में कवर डाल दिए हैं, बस ये लास्ट कंबल बचा था तो इसमें भी डाल दिया। और कंबल में कवर डालने के बाद तो और भी मोटे हो गए हैं, तो जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना तो फिर बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। और अभी मम्मी लग गई है मेरे हाथ पे मेहंदी लगाने, एक हाथ बचा था ना मेरा, तो अभी मेरे सारे काम निपट गए हैं। और मैंने नेल पेंट भी लगा ली है, पहले ही लगा ली, मैं फिर वो काम करने लग जाती हूँ ना सुबह लगाती हूँ तो वो सारी ख़राब हो जाती है, तो मैंने आज पहले ही लगा ली शाम के टाइम ही, और पिंक कलर की नेल पेंट लगाई है। और बस अभी मम्मी से मेहंदी लगवा लूँ। और मैंने है ना मतलब पीछे पीछे लगवाई है, आगे बस एक रपिया सा बनवाया, और देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगा दी ना मम्मी ने, बहुत अच्छी लग रही है। मेरे को है ना पीछे की मेहंदी ज़्यादा सुंदर लगती है, आगे तो वो दिखती नहीं इतनी, फिर वो अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन पीछे वाले हाथों पे मेहंदी बहुत ही सुंदर लगती है, इसलिए मैंने आगे सिर्फ एक रपिया सा बनवाया। देखो मम्मी ने भी लगा ली है अपने दूसरे हाथ पर, सुंदर लग रही है एकदम। पीछे ना पीछे कुछ नहीं, पीछे तो कोसे हाथ में नहीं लगा, ना पीछे हाँ इसका भी नहीं है, उसका इसका तो कविता लगा दी, इसका मरना उसका मम्मी ने हो गए दोनों आके दोनों हाथ पूरे। ठीक लग रही है, ठंड सेक लाई हुई पिछले, सूख जाएगी तो थोड़ी ही, और वे तो सूख गए पहले लगा लिए थे उन्हें। हाँ सर्दियां में तो माँ सही में माँ बहुत मेहंदी लगाने, और मेहंदी लगवाने के बाद है ना मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही, क्योंकि मेरा सीरियल चल रहा था, तो मैंने सोचा सीरियल ख़त्म हो जाएगा ना फिर सुखाऊंगी मेहंदी को, लेकिन उससे पहले इतना हाथ ठंडा हो गया बिल्कुल, और वैसे भी शाम का टाइम वैसे हो गया, तो मैंने सोचा सुखा ही लेती हूँ, नहीं तो दोबारा से ठंड लग जाएगी। तो मैं ड्रायर से मेहंदी सुखा रही हूँ अब की बार, पहले कभी नहीं सुखाई है मैंने, अब की बार ही सुखा रही हूँ, गर्म गर्म हवा फेंक रहा था तो इससे भी सही सूख जाती है। तो अभी सुखा लेती हूँ फिर उतार के फिर सोऊंगी। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।